प्रयागराज में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की मौजूदगी में कांग्रेसी नेताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के संविधान सम्मेलन के समय फूलपुर सीट से पार्टी के दो दावेदारों में कुछ कहा सुनी हो गई, जिसके बाद वहां जमकर घूंसे लात चले। प्रयागराज में फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में टिकट की दावेदारी को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जमकर घूंसे लात चले हैं। मामला प्रयागराज जिले के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के सहसों का है, जहां पर कांग्रेस की तरफ से संविधान सम्मान सम्मेलन बुलाया गया था। आपस में एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं की तस्वीर प्रयागराज की है, जिसको जितना मौका मिला उतना ही अपनी ही पार्टी के विरोधी पर अपना गुस्सा निकाल लिया। हालात बेकाबू होता देख मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी, लेकिन कार्यकर्ताओं में इतना गुस्सा था कि वो फिर भी नहीं रुके और मंच से अपने प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में अपने बाहुबल का इजहार करते रहे। आपस में भिड़ गए ये कांग्रेसी दो गुट के बताए जा रहे हैं। इनमें से एक गुट ओबीसी समाज से खुद को फूलपुर का दावेदार मानकर चल रहे जिला अध्यक्ष सुरेश यादव से जुड़ा था, तो दूसरा गुट ब्राह्मण समाज से आने वाले नेता का था। दोनों उस समय आमने सामने आ गए जब कांग्रेस के संविधान सम्मान सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष सभा को संबोधित करने जा रहे थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी और कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता आराधना मिश्रा भी मौजूद थे। दरअसल फूलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, इसको लेकर कांग्रेस की ओर से संविधान सम्मान आयोजित किया गया था। टिकट की उम्मीद में कई कांग्रेस नेता समर्थकों के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। कुछ समर्थक नारेबाजी करते हुए मंच पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। कुछ लोगों ने जब इसका विरोध किया तो विवाद बढ़ गया। कार्यक्रम में शामिल कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। कार्यक्रम में मंच के ठीक सामने कार्यकर्ता मारपीट कर रहे थे और सामने पार्टी के वरिष्ठ नेता असहज दिखे। माइक खुद राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने संभाल लिया। उन्होंने कहा, इस तरह की हरकत से आप जिस नेता के साथ आए हैं उसका नुकसान कर रहे हैं। वो लगातार कार्यकर्ताओं को शांत कराते दिखे। कांग्रेस नेता संजय तिवारी ने राहुल गांधी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए कहा कि अब कोई भी नेता किसी और का नारा नहीं लगाएगा, जो लगाएगा उसका टिकट कट जाएगा। ये सब देख कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना नाराज हो गई, मंच से उतरकर नीचे आकर बैठ गई। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि जिस समय एक सवर्ण और एक ओबीसी प्रत्याशी जो वहां पर दावेदारी कर रहा था, दोनों के समर्थक आमने सामने आ गए, जिसके बाद माहौल खराब हुआ और दोनों पक्षों में जमकर घूंसे लात चले हैं। बताया जा रहा है कि इस टसल की वजह से पार्टी के अंदर सवर्ण और ओबीसी के बीच का एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जो कांग्रेस के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।